भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज मजीद दो कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इन नौजवानों को जिला राजौरी के इलाके नौशहरा में महासरे और तलाशी की रवायती और वहशाना कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। जिला पुंछ के इलाके मेंढर के करीब खेत से कश्मीरी तालिब इलम की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई है। अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से मकबूजा इलाके में पुरअसरार वाकयात में कश्मीरियों खसूसन नौजवानों की अम्बात कई गुना बढ़ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में दिखाया गया है कि भारतीय फौजी दस्ते दिन दहाड़े श्रीनगर के एक सड़क पर कश्मीरियों को वहशाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वीडियो में दो भारतीय फौजियों को एक मुसाफिर गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही एक शहरी ड्राइवर को बचाने के लिए आता है, तीसरा सिपाही दौड़ता हुआ आता और शहरी के सर पर वार करता है। पुलिस ने तस्दीक की है कि ये वाकया नौगाम चौक में पेश आया। उधर उधमपुर के फौजी अस्पताल में एक भारतीय फौजी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ये फौजी 11 अगस्त को राजौरी में एक फौजी कैंप पर हमले में जख्मी हुआ था। इस हमले में 4 फौजी मारे गए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क्यादत ने काबिज भारतीय फोर्सेज की तरफ से मकबूजा इलाके के तूल अर्ज में बिला तातुल जारी ऑपरेशन के दौरान नौजवानों के कत्ल, गिरफ्तारियों, इमलाक की तबाही और जबर तशद्दुद के दीगर जराइम के इर्तकाब की शदीद मजम्मत की है। क्यादत ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि मकबूजा इलाके में मोदी हुकूमत की तरफ से मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी और मवासलाती महासरे की वजह से बैरून दुनिया भारतीय फोर्सेज के जराइम के असल पैमाने का इदराक नहीं कर सकती। जम्मू में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 29 अगस्त को मोदी हुकूमत की कश्मीरी आवाम और वकला बरादरी को दरपेश मुश्किलात पर बेहसी के खिलाफ एहतजाज के लिए पूरे खत्ते में हड़ताल की काल दे दी है। इसका ऐलान बार एसोसिएशन जम्मू के सदर एमके भरद्वाज ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में इंडिया स्टडीज सेंटर ने वॉइसेज ऑन कश्मीर के उनवान से एक खसूसी रिपोर्ट जारी की है। इस जिम्मे में मुनाकात तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ये रिपोर्ट उस आवाज में इजाफा है जो पाकिस्तान कश्मीर काज के लिए उठाता है। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के मुतल्लिका करारदादों पर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान हक की खुद इरादियत दिलाने के लिए कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद फराहम करता रहेगा। भारत में हुक्मरान बीजेपी के एक और रुकन असेंबली टी राजा सिंह की तरफ से नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ रियासती तेलंगाना के शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए। वो गुस्ताख हिंदू दहशतगर्द की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ह है कि इससे कबल बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा ने भी एक टीवी प्रोग्राम में ऐसी ही जसारत की थी, जिसके बाद भारत और दुनिया भर में जबरदस्त मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया था।